33 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य का 434 करोड़ का बजट हम लोगों ने अनुपूरक लाया है और सदन पूरे विधिवत तरीका से सरकार चलाना चाहती है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकतंत्र के मंदिर को नाटक नौटंकी का अखाड़ा बनाकर और अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करके सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। जो ये झारखंड की भोली भाली जनता इसको जानती है, समझती है और इनको सही समय में इसके विरुद्ध में जनता को जवाब देना होगा। और आप क्या जानना चाहते हैं? आज नियोजन स्तर मुख्यमंत्री जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। साहिबगंज का मामला को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इसी तरीके का संरक्षण करती है और सरकार तो खुद बलात्कारी है। अब देखिए, वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो असंसदीय भाषा और ये तो सदन में इसको तो स्पंज कर देना चाहिए था। और इस तरह की भाषा यदि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में कही जाएगी, बोली जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा। प्रदीप यादव ने भी प्रकट, देखिए किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका हो सकते हैं। हम आपके कैमरा के सामने यदि हम अश्लील भाषा के इस्तेमाल करें, अश्लील हरकत करें या आम मर्यादित बात कहें, तो ये कोई भी जनता को ये उचित नहीं लगेगा, नागवार लगेगा। क्योंकि एक जिम्मेवार और संवैधानिक पद पर रहते हुए यदि व्यक्ति यदि अपनी भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन गलत करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। खैर, अब वो बड़े भाई हैं, उन्होंने क्या बोला वो आप बेहतर जानते हैं, जनता जानती है। हम लोग, हमारी सरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, न कहना चाहती है। और जिन लोगों ने भी कुकृत किए हैं, चाहे वो साहबगंज की घटना हो, चाहे राज्य में कहीं भी ऐसी कोई भी घटना होगी जो हमारे कानून को, मानवता को और न्याय के विरुद्ध होगा, हम उस पर सख्ती से काम करेंगे और उस पर कठोरतम काम करेंगे और जो विधि सम्मत काम है वो करेंगे और उसको स्पीडी ट्रायल करके फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सरकार का दायित्व है। स्थानीय और नियोजन को लेकर के आज अपने नहीं, नियोजन नीति को लेकर महामहिम राज्यपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और अपनी बातों को और भावनाओं को, सरकार की भावनाओं को रखेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।